खनौछि लघुचाप फेरुछि मौसुमी सृष्टि हेला घूर्णिबलय गभीर अवपात संभावना अधिक बढ़िला बात्या भय उत्तर आंडामान सागर एवं तार पार्श्ववर्ती अंचल रे घूर्णिबलय सृष्टि होईछि। एहा प्रभाव रे आसंता 48 घंटा रे लघुचाप क्षेत्र अधिक घनीभूत होई वेलमार्क लो प्रेशर रे परिणत हेबो। जदि पाग अनुकूल रुहे तेबे अवपात परे गभीर अवपात हेबार संभावना अधिक रहिछि। लघुचाप सृष्टि हेबार 4-5 दिन जाए एहा पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिवो। परे दक्षिण ओडिशा एवं उत्तर आंध्र उपकूल रे स्थलभाग छुईंब बोली आकलन करिछि आंचलिक पाणिपाग केन्द्र। तेबे बात्यार आकार और तीव्रता नहीं आसंता 2-3 दिन मध्यरे चित्र स्पष्ट हेबो। नॉर्थ अंडमान सी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, इसका प्रभाव में अगला 48 घंटा में लो प्रेशर होने का चांसेस है और लो प्रेशर और भी मोर मार्क होने का भी चांसेस है और इसका मूवमेंट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट होकर के सबसिक्वेंट 4-5 डेज में नॉर्थ आंध्र साउथ ओडिशा का कोस्ट का पास में आने का चांसेस है। सेपटे ओडिशा रु फेरिजिव मौसुमी आसंता 2-3 दिन मध्यरे प्रत्यावर्तनर प्रक्रिया आरंभ हेबो। एथिपाई पाग अनुकूल रहिछि। प्रथमे राज्यर किछि अंचलरु दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु फेरिबा आरंभ करिबो। परे संपूर्ण ओडिशा रु मौसुमी फेरिजिव। सेपटे आसंता 24 घंटारे दक्षिण ओडिशा रे बिजुली घड़घड़ी वर्षा नै सतर्क करिछि पाणिपाग केन्द्र। मालकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर रायगड़ा और गजपति को प्रबल वर्षा ने येलो अलर्ट जारी करा जाई छी। साउथ ईस्ट मॉनसून आज अगला 2-3 दिन का अंदर उड़ीसा का कुछ पोर्शन से उज्जवल का चांसेस है। 12 तारीख को हमारा नॉर्थ इंटर उड़ीसा में मोस्टली ड्राई वेदर रहेगा, बाकी एरिया में एक दो जगह करके थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ बारिश हो सकता है। अक्टोबर आसिले भय बढ़ुछि। एथर मध्य राज्य को डराइबा आरंभ करिछि बात्या। तेबे संभाव्य बात्यार प्रभाव ओडिशा रे पड़िबो कि नाही ताहा आसंता 2-3 दिन भितरे स्पष्ट हेबो। भुवनेश्वर रु शत्रुघ्न विश्वाल रिपोर्ट, नंदीघोष टीवी।